आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एनालाइमेंट्स विल नॉट फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट. ओके, ऑन रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2 के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन इसमें जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो नहीं देगा. ठीक है, आपको दिया हुआ है N इथाइल एनिलीन, मतलब आपको ये दिया हुआ है NH2H5, ये आपको दिया हुआ है. इस केस में आपको दिया हुआ है पैरा अमीनो एसिटोफिनोन, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है NH2 और आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OCH3. इसमें आपको दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन आपका A है, ये B है. सी वाले ऑप्शन में हम लोग एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं. स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, अदरवाइज कंसेप्ट आने पर भी वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, उसका गलत हो जाएगा. इसलिए इसको स्ट्रक्चर पूरा क्या होना चाहिए, आना चाहिए. तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 2-nitroaniline आपको दिया हुआ है. सबसे पहले हम एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है और इसकी 2 पोजिशन पे लगा हुआ है नाइट्रो और 4 पोजिशन पे लगा हुआ है सीएल. तो ये भी आपको सी ऑप्शन है. और डी ऑप्शन को यदि हम लोग चेक करें तो इसमें आपको दिया हुआ है एनिलीन. ठीक है, हमने एनिलीन बना लिया. अब एन मिथाइल आपको दिया हुआ है एन इथाइल, ये एन इथाइल हो गया. ठीक है, और 2 पोजिशन पे आपको क्या दिया हुआ है, मिथाइल. तो 1-2 पोजिशन पे आपका क्या हो गया, मिथाइल हो गया. तो बेसिकली ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, डी वाला जो ग्रुप है, ये डाइजोनियम सॉल्ट तो नहीं देगा. ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग इसमें देखें मेटा इथाइल, सॉरी, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें एन मिथाइल मैंने गलती से पढ़ लिया था. यहाँ पे NH2 है और यहाँ क्या लगाएंगे आप, 2 पोजिशन पे CH3. तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये भी 1 डिग्री अमीन है. ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये भी कौन सा ग्रुप है, 1 डिग्री अमीन है. लेकिन जो इसमें ये दिया हुआ है डी ऑप्शन में, ये कौन सा ग्रुप है, 2 डिग्री अमीन है. तो 2 डिग्री अमीन जो N2Cl का फॉर्मेशन है वो नहीं करते. ठीक है, इसलिए आंसर इसमें क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर.